द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण एक दिन भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कौर मुंह में लेते ही अचानक उठ गए और बड़ी व्याकुलता से द्वार की तरफ भागे, परंतु तुरंत ही उदास होकर लौट आए और भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर लौट आए? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक प्यारा भक्त राजधानी से गुजर रहा है और मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा है, पर देवी लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वो असहाय है, इसीलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर प्रभु लौट क्यों आए? श्री कृष्ण उदास होकर बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक दाना नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत ना रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। भक्तों, समझने की बात यह है कि यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए और अपने प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए।